हेलो दोस्तों, दिस इज सोल्यूशन और आज के वीडियो में बात करने वाले हम सोलाना के बारे में। सोलाना के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है। और सोलाना एज अ प्रोजेक्ट उसके साथ क्या चल रहा है, क्या हम सोलाना पर रिलाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और क्या एज अ प्रोजेक्ट ये सोलाना यहाँ पर अभी कर रहा है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, बस वीडियो एंड तक देखना। तो आप लोग आके यहाँ पर देखेंगे सोलाना की, अगर मैं रैंक बताऊँ कॉइन मार्केट कैप पे, आप देखेंगे कि 15 नंबर पे प्रोजेक्ट चल रहा है। कभी टॉप 10 के अंदर भी था ये प्रोजेक्ट, और इसके प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आने की वजह से, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें हमको डाउनफॉल देखने को मिला। बट एज अ प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ, सोलाना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग प्रोजेक्ट था, और ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई सोलाना की जब यहाँ पर एलमीडा रिसर्च के साथ और एफटीएक्स के साथ जो चीज़ें चली, क्योंकि एलमीडा रिसर्च की बहुत सारी होल्डिंग है, लगभग 13-14% के आसपास होल्डिंग है सोलाना की, तो उस वजह से प्रोजेक्ट क्रैश करने लग गया। और ऐसा बोला जा रहा था कि एलमीडा रिसर्च अपना जो स्टेक है वहाँ से सीधा रिमूव करने वाला है, सारी लिक्विडिटी निकालेगा वहाँ से, और उसकी वजह से जो मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, उसकी वजह से यहाँ पर सोलाना के प्राइस हमको नीचे जाते हुए दिखे। अब बात करते हैं कि एज डेवलपमेंट में क्या चल रहा है। डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो सोलाना में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डेप्लॉय हो रहे हैं, सोलाना का इकोसिस्टम भी अभी तक काफ़ी अच्छा है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा थोड़ा बहुत हैक्स वगैरह एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉक चेन्स, इथीरियम की बात करूँ, मैटिक की बात करूँ मैं, या फिर पोलका डॉट की बात करूँ, तो इनके मुकाबले सोलाना पे ज़्यादा हैक्स हुए, ज़्यादा इनके साथ एक्सप्लॉइट हुआ, और बहुत सारी बार इनके फंड्स वगैरह वॉलेट में भी दिक्कत आती है, नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सोलाना के साथ चल रही हैं, बट डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और दूसरी जो प्राइस नीचे जाने की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी, वो थी इनके जो दो प्रोजेक्ट थे सबसे बड़े सोलाना की ब्लॉकचेन पे, एनएफटी के जो दो प्रोजेक्ट थे, डी गॉड्स और यूट्स, ये दोनों प्रोजेक्ट सोलाना के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं एनएफटी के अंदर, और इन्होंने डिसाइड करा कि अब ये माइग्रेट कर देंगे सोलाना की ब्लॉकचेन से। और सोलाना की ब्लॉकचेन से माइग्रेट करने का इनके पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न यही था कि इस सोलाना के साथ ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम माइग्रेट करके चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही मार्केट में बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। जब एज अ कस्टमर, मैं एक कस्टमर हूँ, जब मुझे कोई अच्छी सर्विस और अच्छी फैसिलिटी जहाँ पर मिलने लगेगी, तो मैं अपने पुराने वाले जिसके पास जाता हूँ उसको छोड़ के मैं नई जगह चला जाऊँगा। तो ये सेम काम ये बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को शिफ्ट करने का प्रपोजल दिया। और आपको, आपने गेस कर लिया होगा ऑलरेडी, ये जो ब्लॉकचेन होगी पॉलीगन होगी, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे इथेरियम हो या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी देख सकते हैं। और ये पॉलीगन के लिए बहुत बड़ी विन है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट सीधा माइग्रेट होके इनके मतलब पॉलीगन मैट्रिक को यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सोलाना के प्राइस आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए, $10 से भी नीचे आपको जाते हुए दिखे, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी प्राइस $13 के आसपास आ गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे क्या रहेगा प्राइस, लेट से कि बुल मार्केट भी आ गया, मार्केट रिकवर करने हो गया, तो सोलाना क्या रिकवर कर पाएगा। देखो, एज अ प्रोजेक्ट सोलाना के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही है, जो इनकी ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, जो स्केलेबिलिटी वाला इशू है, ये बहुत हद तक सोलाना ने सॉल्व करा है। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर डिप्लॉय हो रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। हालांकि बहुत सारी वनरेबिलिटी हैं जिसकी वजह से सोलाना में आए दिन आपको कुछ ना कुछ हैक्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी इनका नेटवर्क इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखो इम्प्रूव ये कर सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है। अगर कोई कॉइन टॉप 10 में आपको दिख सकता है, और इतने बियर मार्केट भी इन्होंने सर्वाइव करी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो स्ट्रांग प्रोजेक्ट बताती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर देखना चाहते हैं सोलाना को, तो ये थोड़ा सा मैं ऐसा कहूँगा, लेट से कि आप लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने का आप लोग सोच रहे हैं, तो इसको या तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी मान लेते हैं कि $13 पे, देखो हो सकता है आने वाले टाइम पे मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो, तो जब मार्केट में कुछ फ़ड होंगे या नेगेटिविटी होगी, तो उस टाइम पे सोलाना और इन सब प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खतरा होगा। आप देखेंगे तो $250 का इसका टॉप लगा कर आया था, और 99% के आसपास ये अपने
ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत रिस्क तो है इसको एक्यूमुलेट करने में, तो आप इसमें या तो थोड़ा बहुत अमाउंट लगा के SIP कर सकते हैं कि अगर और नीचे मार्केट क्रैश होती है तो उसके बाद एक या दो SIP आप लोग, या फिर मतलब एवरेजिंग आप कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक या दो बार इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये और नीचे आता है तो इसको प्रोजेक्ट का पीछा हमको छोड़ देना है, क्योंकि देखो हमको प्रोजेक्ट कोई भी सगा किसी का नहीं होता, हो सकता है कल को कुछ भी क्रैश हो जाए, आप जिस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है वो भी क्रैश हो सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अगर, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि ये दोबारा हो सकता है $250 लगा कर आ जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है प्रोजेक्ट के लिए, अनटिल अनलेस ये बहुत सारी इंप्रूवमेंट जो इनके नेटवर्क पे प्रॉब्लम चल रही है, जो इनकी वनरेबिलिटी है, या फिर जो इनकी कोलेब्रेशन है जैसे कि एलमेडा के साथ जो जितनी होल्डिंग्स इन्होंने, इस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे तब ये प्रोजेक्ट अच्छा है, नो डाउट। तो ये था मेरा व्यू, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा नीचे हमको जाते हुए दिखा इनके NFT प्रोजेक्ट की वजह से, और साथ ही में जो एलमीडा रिसर्च के साथ इनका टाई अप होने वाला था। बस यही था आज की वीडियो में आपको बताना सोलाना की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इंसाइट और यूज़फुल इंसाइट इस वीडियो में प्रोवाइड करी होगी मैंने। अगर ऐसा है तो लाइक करते हुए जाइए, और कमेंट शेयर जो कुछ भी फ्री वाली चीज़ें वो सब आप लोग कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।